दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मस्ट। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मस्ट। मस्ट का मतलब चाहिए, और इसके साथ हम लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑक्टोबर। मस्ट का मतलब चाहिए, ठीक है, और इसके साथ लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑक्टोबर चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, इससे पहले भी तो आपने एक पढ़ाया था, वहां पे भी चाहिए आता है, वहां पे हम शुड लगा रहे थे, ठीक है। तो देखो, शुड और मस्ट में एक छोटा सा फर्क है। जब हम शुड की बात करते हैं ना, तो शुड क्या होता है, नॉर्मली एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और जब मस्ट की बात की जाती है ना, तो मस्ट की जो जरूरी हो, ठीक है, जो जरूरी एडवाइस हो, वहां पे आपको मस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई आपको खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू मस्ट वॉश हैंड बिफोर ईटिंग फूड, ठीक। इस सेंस में देखो, एक बात समझो, आपको हिंदी में ये नहीं कि हिंदी में आपको ये जरूर वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, कौन सा काम ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं, मस्ट लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको यही देखना है, अगर ये ज्यादा जरूरी काम है तो वहां पर मस्ट लगा दो, ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप शुड पे जाइए, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। हमारा सेंटेंस है, आपको खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, यू मस्ट वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। आपको इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, तो जरूरी बात है भाई, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें मम्मी का ख्याल रखना चाहिए, वी मस्ट टेक केयर ऑफ मॉम। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। और व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंस, जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो आपको बस नॉट लगाना, और नॉट किसके बाद लगाना है, मस्ट के बाद, और आपका सेंटेंस बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जो आपको लगता है कि भाई ये जरूर काम नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बोला यू मस्ट नॉट यूज फोन इन द क्लास, आपको क्लास में फोन नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट नॉट फाइट विद पेरेंट्स, हमें मम्मी पापा के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। इसी का जब हम पास्ट की बात करते हैं, चाहिए था, या आप बोल सकते हो जरूर चाहिए था, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं मस्ट हैव, ठीक है। इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, मस्ट हैव, जो आपको लगता है जरूर करना चाहिए था। जैसे कि अगर मैंने बोला कि यू मस्ट हैव अटेंडेड ऑल क्वेश्चंस इन एग्जाम, ठीक है। अब मैंने बताया कि भाई मैंने तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, तो सामने वाले ने बोला कि भाई आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए थे, जरूरी बात है, नंबर बढ़ सकते हैं इससे, ठीक है। तो आपने बोला यू मस्ट हैव अटेंडेड ऑल क्वेश्चंस इन एग्जाम, ठीक है। यू मस्ट हैव इनवाइटेड योर फ्रेंड्स ऑन बर्थडे, आपको जरूर अपने दोस्तों को बर्थडे में बुलाना चाहिए था। इस सेंस में आप बोल सकते हो कोई और जरूरी काम होगा पास्ट में, तो आप ये भी कह सकते हो, जैसे कि मैंने बोला ही मस्ट हैव कम एट माय होम दैट डे, उसको उस दिन जरूर मेरे घर पे आना चाहिए था। तो इस तरीके से आप मस्ट और मस्ट हैव के सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, इस वीडियो खत्म करने से पहले एक बात करूंगा, हम जो है मस्ट के इंटरोगेटिव या डबल एस फैमिली वर्ड में सेंटेंसेस नहीं बनाते, बिकॉज हमें नीड नहीं पड़ती है और ज्यादा यूजेस भी नहीं होती है। इसलिए मस्ट हैव का हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस ही यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस लाऊंगा आपके लिए। आज के लिए यार इतना ही।